शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 82 केंद्रों पर 21,420 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 18,166 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,254 लोग शामिल रहे। शुक्रवार को टीका लगवाने वालों की संख्या अधिक देखी गई, जिसके कारण संक्रामक वार्ड में काफी अफरा तफरी देखी गई। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शुक्रवार को टीकाकरण के लिए 20,000 से ऊपर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 21,420 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए जिला अस्पताल में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा मेडिकल एवं एम्स गोरखपुर क्लब सहित 82 केंद्रों पर 21,420 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग टीका लगवाने के लिए अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, चलो 5 आदमी आओ चलो। आज हमारे जिले में 82 सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं, बाकी हमारे टीम है अपन PSCs और PSCs पर 70 वैक्सीनेशन चल रहा है। सर आज का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य 20,000 से ऊपर का है सर, और उसकी कल हम जो है 17,000 के आसपास का वैक्सीनेशन किया, आज 20,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन किया। सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना के केसेस कई प्रदेशों में बढ़े हुए हैं, उन प्रदेशों से अगर जो भी इधर आ रहा है बाहर से, तो जनता अपनी खुद है, अगर उसके घर में कोई आ रहा है तो उसको संज्ञान में लेकर के उसको होम आइसोलेशन में रखें, और अगर उसमें सिम्टम आता है तो उसकी जाँच कराए, कोरोना की जाँच कराए, और अपने सभी लोगों को एक दूसरे से सपरेट कमरे में रखकर के अपन 2 हफ्ते का अपने आइसोलेशन रखें, जैसे कि अगर उनकी आने वाली व्यक्ति में अगर कोरोना है तो वो पता चल जाएगा और आप लोग सुरक्षित रहें, और कोरोना का नियमों का पालन करें, बाहर न जाए, बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए, और भीड़ भाड़ इलाकों से बचें।